खबर देपालपुर इंदौर से। अनलॉक के बाद की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन आया मैदान में। अनलॉक टू के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में लिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए आज बुधवार को अपर कलेक्टर राजेश राठौर, तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह, सीएमओ चंद्रशेखर सोनिस, उपनिरीक्षक दीपक राठौर अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में उतरे और प्रत्येक दुकानों पर जाकर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का सत्यापन किया। साथ ही जिन दुकानदारों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया उनकी दुकानें बंद करने की हिदायत दी गई। समझाइश दी गई कि आप वैक्सीनेशन करवाने के बाद सर्टिफिकेट दुकान पर चस्पा करें, उसके बाद ये दुकान खोलें ताकि वैक्सीनेशन के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और अनलॉक के बाद कोरोना वायरस फिर से अपना आक्रमण करे और अनलॉक के बाद कोरोना वायरस फिर से अपना आक्रमण ना करे। इसके लिए प्रशासन बाजार की गलियों में एक दुकान से दूसरी दुकान जाकर प्रत्येक दुकानदार को वैक्सीनेशन के फायदे बता रहे हैं। वही कोरोना से सुरक्षित रहेगा। कागज नहीं दिया दुकान। एक्चुअली जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वैक्सीनेशन ही कोरोना का अंतिम इलाज है। तो इसके वैक्सीनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनसे आग्रह करने के लिए और जो कमिटमेंट हमारे ब्लॉक लेवल की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में हुए थे, उन कमिटमेंट्स की पड़ताल करने के लिए आज हम लोग फील्ड में हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं। हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, पता भी कर रहे हैं किन किन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है, किन कौन कौन लोग रह गए हैं। जो लोग रह गए हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं क्यों जरूरी है वैक्सीन लगाना और तत्काल जाके वैक्सीन लगाना। और कुछ लोगों के सर्टिफिकेट भी कंफर्म करने के लिए कि सही में उन लोगों ने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया। हमारा उद्देश्य है, मैंडेट है कि 7 दिन के अंदर पूरे नेपालपुर को 100% वैक्सीनेटेड करना। तो हम लोग बढ़िया पूरा एग्रेसिव हो के ये सारा काम। खबर भारतवर्ष के लिए देपालपुर इंदौर मध्य प्रदेश से संदीप सेन की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।